हो जाए कि सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ है उसको। ठीक है काशी, आएंगे आपके पास। एक और अपडेट यहां पर सामने आ रहा है, ये भी दर्शकों को बता देते हैं। कॉलेजेस में बम धमाके की धमकी पर मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बयान भी सामने आया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि किसी सिरफिरे का ये काम है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले एयरपोर्ट और स्कूलों को भी धमकी भरा मेल मिला था और इसकी छानबीन जो है वो लगातार पुलिस द्वारा की गई और इस तरीके के मेल भी साइबर फ्रॉड है। साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड पर राजस्थान की पुलिस सख्ती से काम कर रही है। पुलिस साइबर अपराध को रोकने के लिए मजबूत मैकेनिज्म डेवलप कर रही है और सीएम अजयलाल शर्मा भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। ये कोई रात को मेल आया पारिक कॉलेज में 2 बजे के आसपास और उन्होंने सुबह 11 बजे उस मेल को खोल करके देखा। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस हमारी मुस्तैदी से काम करती है। पहले भी जब स्कूलों को कोई मेल आया था तो उस समय भी पुलिस ने सभी जगह जाकर के पूरी अपनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। अब भी मेरी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, ये छानबीन कर रहे हैं कि कहां से आया है। देश भर के 27 स्थानों से स्पेशलिस्ट बुला करके उस पर एक एक्सरसाइज शुरू की है।